हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 28 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तरीय ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया है? वेयर हैज द हरियाणा गवर्नमेंट सेटअप अ स्टेट लेवल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम? ऑप्शंस आर पंचकूला, चंडीगढ़, पानीपत और हिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कंट्रोल रूम जो है सेटअप किया गया है चंडीगढ़ में। बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। चंडीगढ़ के सिविल सेक्रेटेरिएट में ये सेटअप किया गया है, सिविल सेक्रेटेरिएट। और इसका पर्पस क्या होगा? ये कंट्रोल रूम बनाने का पर्पस है इंश्योर करना, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अनइंटरप्टेड और एडिक्वेट सप्लाई हो ऑक्सीजन का, ऑफ ऑक्सीजन, और साथ ही साथ जो है इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके साथ साथ थर्ड पर्पस है इंश्योर करना सेफ मूवमेंट हो ऑक्सीजन टैंकर्स के, सेफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टैंकर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइट टू डिस्ट्रिक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, निष्ठा मदान किस खेल से संबंधित है? निष्ठा मदान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शंस आर शूटिंग, गोल्फ, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रिलेटेड है गोल्फ से। बी इज द राइट आंसर। ये जो है गुरुग्राम से है, निष्ठा मदान गुरुग्राम से है, गोल्फ की प्लेयर हैं और अभी इन्होंने विन किया है अपने करियर का फोर्थ टाइटल, वन फोर्थ टाइटल ऑफ करियर। और ये टाइटल है कैक्टस टूर पे, इन्होंने ये टाइटल लिया है कैक्टस टूर। ये एक डेवलपमेंटल टूर था जो एरिजोना में हुआ था। इन एरिजोना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टेट पुलिस ग्रीवियंस अथॉरिटी? ऑप्शंस आर नवराज संधू, रमेश चंद्र, कमलेश्वर कुमार मिश्रा और विजेंद्र कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट किया गया है नवरोज सिंह को, नवराज संधु को। ए इज द राइट आंसर। नवराज संधु को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टेट पुलिस ग्रीवियंस अथॉरिटी। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। और इसके साथ साथ जो है मेंबर भी अपॉइंट किए गए हैं हरियाणा स्टेट पुलिस ग्रीवियंस अथॉरिटी के, और वो अपॉइंट किए गए हैं रमेश चंद्र और कमलेश्वर कुमार मिश्रा को एज अ मेंबर जो है अपॉइंट किया गया है। और इनका टेन्योर कितना रहेगा? टेन्योर इन तीनों का ही जो है चेयरमैन और मेंबर्स का टेन्योर रहेगा 3 इयर्स का, 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा में ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी और समन्वय के लिए राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष के नोडल अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been deputed as nodal officer for state oxygen control room for monitoring and coordination of proper oxygen supply in Haryana? Options are Ramesh Chandra, Kamleshwar Kumar Mishra, Vijendra Kumar or Navraj Sandhu. तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट किया गया है विजेंद्र कुमार को। सी इज द राइट आंसर। विजेंद्र कुमार जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ये इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ ये सीईओ है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड।
और अभी इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है नोडल ऑफिसर की पोजीशन पे फॉर स्टेट ऑक्सीजन कंट्रोल रूम, और ये इमीडिएट इफेक्ट से दिया गया है, इमीडिएट इफेक्ट। और इनको असिस्ट किया जाएगा उसके लिए भी अपॉइंट किए गए हैं 3 IAS ऑफिसर और 6 HCS ऑफिसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN ने किस जिले को नया ऑपरेशन सर्कल बनाया है? Which district has been made a new operational circle for Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam? Options are Ambala, Panchkula, Yamunanagar और Kurukshetra. तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बनाया गया है पंचकुला को भी, इज द राइट आंसर। इससे पहले जो है पंचकुला कौन से ऑपरेशन सर्कल के अंडर आता था? इससे पहले ये आता था अम्बाला ऑपरेशन सर्कल के अंडर, अम्बाला। और जो हरियाणा बिजली वितरण निगम है इसमें टोटल अब कितने ऑपरेशन सर्कल हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 10, पंचकुला को इंक्लूड करके 10 हो गए हैं, इससे पहले 9 ऑपरेशन सर्कल थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने बात की है करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की, अब हम स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, धारूहेड़ा तथा बावल औद्योगिक स्थल किस जिले में स्थित है? धारूहेड़ा एंड बावल इंडस्ट्रियल साइट्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी और पलवल। तो ये आता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं, ये दोनों जो है इंडस्ट्रियल साइट्स हैं और जो मेन इंडस्ट्रीज है यहाँ पे वो ऑटोमोबाइल की रिगार्डिंग है, जैसे कि हार्ले डेविडसन, हीरो मोटोकॉर्प, और बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे है एंड मैनी अदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, दोनों जगह पे है ये, धारूहेड़ा में भी और बावल में भी। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोटरसाइकिल जो है प्रोड्यूस होती है हीरो मोटर कॉर्प धारूहेड़ा प्लांट में। वर्ल्ड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल प्रोड्यूस होती है हीरो मोटर कॉर्प धारूहेड़ा प्लांट में। ओके, रेवाड़ी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। रेवाड़ी जो है यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज से स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड यूनिट तक। और यहाँ के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, तो वो है ब्रास मेटलर्जी और डेकोरेटिव शूज। और डेकोरेटिव शूज। रेवाड़ी को जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा कब दिया गया था? रेवाड़ी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला था 1 November 1989 में। और इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो वो है महेंद्रगढ़, झज्जर और गुरुग्राम के साथ, और राजस्थान स्टेट के साथ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, किला जफरगढ़ हरियाणा कि किस जिले में स्थित है? किला जफरगढ़ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ऑप्शंस आर भिवानी, झज्जर, फतेहबाद और जींद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है जींद डिस्ट्रिक्ट में, डी इज द राइट आंसर। और इसे कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था इसकी हिस्ट्री भी हम देख लेते हैं। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें जो जींद के राजा थे उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, जो जींद रियासत थी इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। और उस टाइम पे यहाँ के राजा कौन थे? वो थे राजा स्वरूप सिंह, राजा स्वरूप सिंह। इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, तो बदले में ब्रिटिशर्स ने इन्हें रिवॉर्ड दिया था, और रिवॉर्ड में इनको दिया गया था दादरी और सफीदों, दादरी और सफीदों।
और जींद से दादरी में ट्रैवल करने के लिए बीच में रेस्ट लेने के लिए इन्होंने बनाया था जफरगढ़ फोर्ट। ये हिस्ट्री है इसकी। और ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये बनाया गया था 1858-59 में। और ये अभी न्यूज में था इसलिए ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है, क्योंकि जफरगढ़ को जो है बजट में डिक्लेयर किया गया था एज अ प्रोटेक्टेड साइट। तो हम रिमेनिंग साइट भी देख लेते हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है एज प्रोटेक्टेड साइट, हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो वो है फोर्ट ऑफ लोहारू, जो आता है भिवानी में। नेक्स्ट है करनकूट, करनकूट जिसे भट्टू भी बोलते हैं, ये आता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। रानी की छतरी, रानी की छतरी ये आती है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, फरीदाबाद। नेक्स्ट है ओल्ड तहसील बिल्डिंग, ओल्ड तहसील बिल्डिंग ये नूह में आती है, ये आती है नूह में। चूहीमल की छतरी, चूहीमल की छतरी ये भी नूह में आती है, चूहीमल की छतरी ये भी आती है नूह में। नेक्स्ट है किला जफरगढ़, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये जींद में आता है। एंड देन लाल मस्जिद और बागा वाली कोठी, लाल मस्जिद और बागा वाली कोठी ये आती है झज्जर में। कैथल फोर्ट, ये तो नाम से ही आप समझ जाएंगे, कैथल फोर्ट आता है कैथल में। तो इन सभी को डिक्लेयर किया गया है एज अ प्रोटेक्टेड साइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ हरियाणा वॉज, ऑप्शंस आर शेख मोहम्मद तुर्क, हजरत खैरो शाह, गुलाम जिलानी और मुल्ला नसीरुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सूफी सेंट थे हरियाणा के शेख मोहम्मद तुर्क, ए इज द राइट आंसर। इनका पूरा नाम था हजरत शेख मोहम्मद तुर्क नारनोली। ये जो है माइग्रेट किया था इन्होंने तुर्किस्तान से नारनोल में, फ्रॉम तुर्किस्तान टू नारनोल। क्यों इन्होंने माइग्रेट किया था, पर्पस क्या था इनके माइग्रेशन का? तो वो था स्प्रेड करना चाहते थे इस्लाम को, टू स्प्रेड इस्लाम। ये जो है खलीफा थे हजरत शेख उस्मान हरवानी के, खलीफा ऑफ हजरत शेख उस्मान हरवानी। और पीर भाई थे, पीर भाई ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। इनकी मजार है नारनौल में, मजार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के किस नगर को बनाया था? विच सिटी ऑफ हरियाणा वॉज मेड इट्स कैपिटल बाय महाराजा हर्षवर्धन? ऑप्शंस आर पटौदी, यमुनानगर, जींद और थानेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थानेसर, डी इज द राइट आंसर। थानेसर में जो है हर्ष का टीला भी है, हर्ष का टीला। इन्होंने कब से कब तक रूल किया? इन्होंने रूल किया था 606 से 647 AD तक। और अपने ब्रदर की डेथ के बाद इन्होंने रूल किया था, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर राज्यवर्धन। इन्होंने रूल किया था थानेसर और कन्नौज में। कन्नौज में इनकी सिस्टर की मैरिज हुई थी और इनके ब्रदर इन लोगों की डेथ के बाद इन्होंने कन्नौज में भी रूल किया था। और 612 AD तक, 612 AD तक जो है इन्होंने कंसोलिडेट किया था अपने एम्पायर को नॉर्थ में। माना जाता है कि इनका रूल होता था नर्मदा रिवर तक।
उसके बाद इन्होंने इन्वेड किया था 620 एडी में, इन्होंने इन्वेड किया था चोलक्या को, इन्वेड किया था चोलक्या किंगडम को। उस टाइम पे चोलक्या के रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। और इसके बदले में जो है चोलक्याज ने रेसिस्ट किया था स्ट्रॉन्गली और हरा दिया था हर्षवर्धन को, डिफीट किया था हर्षवर्धन को चोलक्याज ने। और इनके टाइम पे जो है चाइनीज ट्रेवलर आए थे ह्यून शांग, ह्यून जैंग, इसको दूसरी स्पेलिंग से भी लिखा जा सकता है इस तरह से, ह्यून शांग। ओके, और जो जो चाइनीज ट्रैवल ह्यूनशांग आए थे, इन्होंने यहाँ पे इनके राज्य के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया था, लाइक सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशन, सबके बारे में इन्होंने मेंशन किया था हर्षवर्धन के रूल के बारे में। और जो इनके कोर्ट पोएट थे बाणभट्टा जो है वो कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के, और इनकी फेमस वर्क थी हर्षचरिता और कादंबरी, हर्षचरिता और कादंबरी। और हर्षवर्धन वो खुद भी एक रियोन राइटर थे, रियोन राइटर, और इनका फेमस वर्क है नागनंदा, नागनंदा, प्रियदर्शिका, और रत्नावली, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज किस जिले में स्थित है? द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आती है करनाल में, डी इज द राइट आंसर। इनिशियली इसे एस्टेब्लिश किया गया था 21 सितंबर 1984 में NDRI, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में, बेंगलुरु। ओके, फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया था 19 जुलाई 1985 में नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। तो यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि NDRI बेंगलोर और NDRI करनाल, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे इनिशियली एस्टैब्लिश किया गया था 1923 में बेंगलुरु में, और 1955 को इसे शिफ्ट कर दिया गया था करनाल में। तो इसका मेन हेडक्वार्टर जो है, मेन ऑफिस जो है वो करनाल में है, और इसकी एक ब्रांच जो है वो बेंगलुरु में है। इसलिए जो बेंगलुरु वाली ब्रांच है वहाँ पे पहले इसे इनिशियली एस्टैब्लिश किया गया था NBAGR को, और फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया था NDRI करनाल में। और बाद में जो है NBAGR मीन्स नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR, इसको मर्ज कर दिया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। ये मर्जर हुआ था 1995 में, और उसके बाद इसका एक नया ऑफिस बना दिया गया था, न्यू ऑफिस, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस, ये भी करनाल में बनाया गया था। करनाल कब बनाया गया था? 28 नवंबर 1998 में, 28 नवंबर 1998। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।